पुजगिर जी, बोकारो स्टील सिटी झारखंड से श्री दर्शन जैन कह रहे हैं गुरुदेव कि जैन धर्म में दान और दक्षिणा का क्या अर्थ और स्थान, सबसे बड़ा दान कौन सा दान है तथा दान ग्रहण करने के अधिकारी कौन है और दक्षिणा ग्रहण करने के अधिकारी कौन है। देखिए, जैन परंपरा में दान की तो परंपरा है, दक्षिणा की नहीं। दान देने का विधान है और सात स्थानों पर दान देने का विधान है। जिन बिंब जिनागार जिन याता प्रतिष्ठिकम दान पूजा सुसिद्धांत रक्षणम सप्त क्षेत्रियो। सात स्थानों में अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। जिन बिंब के निर्माण में, जिन मंदिर के निर्माण में, तीर्थ यात्राओं में, प्रतिष्ठाओं में, चतुर्विध संघ के लिए आहार आदि के दान में या दीन दुखियों के दान में, करुणा दान में, पूजा पाठ आदि की क्रियाओं में और शास्त्र के प्रकाशन में, यहाँ अपने द्रव्य का दान देना चाहिए। दान के संदर्भ में अनेक बार हमने अपनी चर्चा की, जैन धर्म में दक्षिणा का विधान नहीं। दक्षिणा उस परंपरा में है जहाँ पुरोहित आदि घर की क्रियाएं करें, कुछ परंपराओं में गुरुजन भी अगर अपना आशीर्वाद दे तो उनकी वृत्ति लाभ के लिए उदारता पूर्वक कुछ द्रव्य दिया जाए। जैन धर्म में ऐसी दक्षिणा की कोई परंपरा नहीं, क्योंकि जैन साधु परिग्रह का त्यागी होता है तो साधु को दक्षिणा की जरूरत नहीं। और जो गृहस्थाचार्य हुआ करते थे, जो गृहस्थों के सभी धार्मिक और जो कुल परंपरागत क्रियाओं को संपन्न कराने वाले होते थे, वो गृहस्थाचार्य होते थे। उन गृहस्थाचार्यों को भी दक्षिणा के रूप में कुछ नहीं दिया जाता था, समाज उनकी वृत्ति का लाभ देती थी। तो दक्षिणा की कोई परिपाटी जैन धर्म में नहीं।